Hello students, welcome to this video. Students, in this video I have taken the topic sources of recruitment from the staffing chapter. Now, as I've already explained you in my previous video, what is recruitment? Recruitment means searching for prospective employees. प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ कौन से हैं हमारे? प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ यानी कि जो है एम्प्लॉयज़ हम एक पर्टिकुलर पोस्ट पे चाहेंगे, यानी कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ पे हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जो दो तरीके के होते हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज. इंटरनल सोर्सेज भी हमारे दो सोर्सेज हैं. पहला है प्रमोशन और दूसरा है ट्रांसफर. प्रमोशन का क्या मतलब है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, हम उसे अपर ग्रेड पे प्रमोट कर देते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वर्टिकल प्रोसेस. ओके, ट्रांसफर का मतलब होता है जब हम सेम डिपार्टमेंट में उसको शिफ्ट कर देते हैं. सो इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल प्रोसेस बोलते हैं. तो ये दो तरीके हैं जिससे कि हम इंटरनल सोर्सेज के थ्रू ही अपनी पोस्ट को फिल कर सकते हैं, जो आप ज़्यादातर देखते हैं कि बैंक्स में, आर्मी में, जो बेसिकली ज़्यादातर जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें ट्रांसफर और प्रमोशंस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, जहाँ पे वैकेंसीज को फिल किया जाता है. और जब ज़रूरत होती है तो हम एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करते हैं. नाउ अब इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है. लेट अस कम टू द मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज फर्स्ट. सबसे पहला मेरिट है मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज, बिकॉज हम जो पर्सन जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, हम उसी को या तो प्रमोट कर रहे हैं, उसी को ट्रांसफर कर रहे हैं. सो दिस ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ मोटिवेशन अमंग द एम्प्लॉयज. सेकेंड इज शिफ्टिंग सरप्लस वर्कफोर्स. अगर हमारे पास एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा हैं, जैसे क्या होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं सरप्लस एम्प्लॉयज़ से, जहाँ पे हमारी डिफिशेंसी एम्प्लॉयज़ की कम एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ से हम उनको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी पोस्ट फिल हो जाती है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल इसलिए है क्योंकि इसके लिए हमें ना तो कोई एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है और कोई भी एज सच हमें एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करना पड़ता है. सो इट इज इकोनॉमिकल, इट इज चीपर एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्सेज. देन नो नीड फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग. इंडक्शन ट्रेनिंग मीन्स कि जब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक नया एम्प्लॉय आता है, सो दैट एम्प्लॉय इज फेमिलराइज्ड विद एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. उसको हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराते हैं, सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स अबाउट द वर्किंग, गिव सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑल्सो. सो वो सब चीज़ें हमें इंटरनल सोर्सेज में करने की ज़रूरत नहीं होती है. बट इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं. वो ये है कि नॉट फ्यू न्यू फॉर न्यू कंपनीज, नई कंपनीज को एक्सटर्नल सोर्सेज को ही ऑप्ट करना पड़ेगा. देन रिड्यूसेस स्पिरिट ऑफ कंपटीशन. कंपटीशन क्यों रिड्यूस होता है? क्योंकि जब हमारे पास एक फ्रेश टैलेंट आता है, जब बाहर से जो अपडेटेड नॉलेज लेके जो एम्प्लॉयज होते हैं, देन इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कंपटीशन. जब हम अपने ही कुलीग्स के साथ काम करते रहते हैं और वहीं पे ही हमें प्रमोशन और ट्रांसफर मिलते रहते हैं, तो एक सेंस ऑफ जो हमारा जो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं हमारा कम पड़ जाता है, बिकॉज वी बिकम लेथार्जिक कि ठीक है हमारा कोई एज सच कॉम्पिटिटर नहीं है. देन इट प्रिवेंट्स इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट. दैट मीन्स कोई भी नया टैलेंट, एज आई टोल्ड यू कि जो फ्रेशर्स होते हैं, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट नॉलेज जिनको किसी भी फील्ड के बारे में होती है, तो उन एम्प्लॉयज़ को हम यहाँ पे नहीं ला सकते इंटरनल सोर्सेज के थ्रू. सो बेसिकली कई बार हमें ये भी फेस करना पड़ता है कि जो एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो एक पुरानी नॉलेज को जो क्रिएट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को जो बेसिकली कैरी कर रहे हैं, तो उनको उन्हीं के साथ चलना पड़ता है. तो फ्रेश टैलेंट ना होना, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनल सोर्स. नाउ लेट अस कम टू एक्सटर्नल सोर्सेज. एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब है कि जब हम बाहर से एप्लीकेशंस मंगवाएं
एंड उन एप्लीकेशंस के आने के बाद उनको रिक्रूट करें, उनको सेलेक्ट करें, देन वी कीप देम इन द ऑर्गेनाइजेशन. उसके मेरिट्स क्या है? सबसे पहला है क्वालिफाइड पर्सनल, दैट मींस जो एम्प्लॉयज आएंगे हमें लेटेस्ट जो हमारी एप्लीकेशंस होंगी, जो आप कह सकते हैं फ्रेशर्स होते हैं, जो कॉलेज से जो अपडेटेड नॉलेज लेकर आते हैं, वो टैलेंट हमें मिलता है. सो बेसिकली क्वालिफाइड पर्सनल्स की हमें अवेलेबिलिटी होती है इसमें. वाइडर चॉइस, यस, यहाँ पे आपकी चॉइस लिमिटेड है बिकॉज आप उन्हीं एम्प्लॉयज में से उनको या तो प्रमोट कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपको वाइड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मिल रही हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें से आप, आपके पास चॉइस है कि आप जिसको सिलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. फ्रेश टैलेंट, विच इज वेरी वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स, विच इज वन ऑफ द मेरिट ऑल्सो, कि जब भी हम एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं, पर्सनल को रिक्रूट करते हैं, तो हम एक फ्रेश टैलेंट हमें मिल रहा है जिसके पास अपडेटेड नॉलेज होती है एंड वो जो प्रेजेंट बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके साथ अपडेटेड होता है. देन कम्स योर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. जब बाहर से हमारे एम्प्लॉयज आते हैं तो एक कॉम्पिटिशन की फीलिंग जो पुराने एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ भी आती है, और जो नए एम्प्लॉयज होते हैं वो भी एक कॉम्पिटिशन के स्पिरिट को फील करते हैं, दैट वी हैव टू कम्प्लीट विद द यू नो द ओल्डर एम्प्लॉयज. देन कम्स डीमेरिट्स. डीमेरिट्स होते हैं सबसे पहले डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ. अगर आप हमेशा ही एक्सटर्नल सोर्स को ऑप्ट करेंगे तो इससे जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन आएगी दैट हम किसी चीज़ के वर्थ नहीं हैं. तो ये डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन कि कब ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल सोर्स का यूज़ करना है और कब एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करना है. Then it is a lengthy process because एक पूरा process follow होता है, आपका selection process एक पूरा follow होता है, और expensive भी है आपका because इसमें आप advertisements भी देते हैं, then आपके group of you know people भी होता है जो interviewers होते हैं, so you have to organize everything. Costly process as I've already explained you because you have to advertise and you know you have to do lots of lengthy processes there. So, students, this was about the sources of recruitment, which are the two sources, internal, external. Internal sources में आप promotion के through किसी को recruit कर सकते हो, transfer कर सकते हो same positions पर, और external sources के through आप बाहर से applications मंगवाते हैं. So, I have explained to you the merits and demerits of the internal as well as the external sources. Thank you, students, and have a nice day.